एक मिनट आ तुम इशारे वाला नाना कहाँ ले क्यों कहा जाता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 26 मार्च और यहाँ पे साइकिल अपनी पार्क हुई थी जस्ट अंकल के बगल के घर में, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। अभी भाई भी तैयार हो रहा है, मेरा तो सारा पैकिंग हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हर हर महादेव का नाम लेके। एक मिनट आ तुम इशारे वाला हमारे देश के दो युवा मोबाइल नंबर से है, एक यूपी से है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। आज उनका नारायण गांव में आदर तिथि करने के लिए हमारे सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सब मित्र परिवार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको हम नारायण गांव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे का आपका जो प्रवास है वो अच्छी तरह से हो। आप सुखरूप को आपने यात्रा करके घर पे जाए, शुभकामना ये ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आप दोनों के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो कहा जाता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको आपने जो भी सपने लिए है और पूरे भारत में आप एक पोल्यूशन फ्री का संदेश भी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपके यूपी सरकार या एमपी सरकार आपके इस कार्य का गौरव करेंगी। हम भी आज इस कार्य का आपका गौरव करते हैं और आपको हमारा ये पहाड़ वाला स्विमिंग ग्रुप है, निवान वाला स्विमिंग ग्रुप है, इस ग्रुप की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। उसका पीछे का जो बैरिंग था टूट गया था, तो मैं एक अन्ना रायतुदर भैया को अन्ना बोलते हैं, तो मैं उनसे बोला कि मेरे साइकिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, साइकिल में कहीं शॉक है क्या? तो बोले शॉक तो इधर नहीं है, वो थोड़ा हेल्प करने लगे मेरे साइकिल को, थोड़ा टूल्स है मेरे पास, तो कुछ हुआ नहीं, तो बोले कि आप मेरे घर पे रुक सकते हो। शाम का 6:30 या 7 बजे का फिर मैं उनके घर पे रुक गया, तो उनका घर पुराने टाइप का था, बहुत अच्छा, उनका फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत पुलिस विभाग से बहुत अच्छे सपोर्ट थे, वो अलग थे। तो फिर उनके बरामदे में मैं सोया था और जब सुबह उठा तो देखा मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो मैं उनसे बोला कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो बोले कि आपका मोबाइल आपके बैग में डाल दिया, क्योंकि मैं स्लीपिंग बैग में सोया था, मैं सोचा कि स्लीपिंग बैग में से मोबाइल कैसे इनके पास पहुँच गया कि बैग में डाल दिया। मैं बैग में देखा तो मोबाइल नहीं था, फिर मैं बोला कि मेरा मोबाइल तो इसमें नहीं है, तो बोले कि तेरा मोबाइल तुम जानो, तो जब वो इतना बोले थे कि आपका मोबाइल आपके बैग में डाले हैं, तो मुझे लगा कि कुछ किया है, तो फिर वो मेरे को जैसे अब मैं बाहर से आया हूँ एक तरह से साइकिल से इतना दूर से, तो मुझे थोड़ा डरवाने की कोशिश की, तो फिर वो अपने घर को लॉक करके चले गए। शाम का सुबह का वही 5 बजे रहा था, अंधेरा था पूरा, तो मैं उनके घर पर रुका था, कैमरा था पूरा रिकॉर्ड वर्ड मैंने कर लिया था। उसके बाद जब दिन हुआ तो कुछ लोगों से बात किया, तो गांव वाले लोग थे उनको कन्नड़ आ रहा था, हिंदी एकदम नहीं आ रहा था, तो फिर मैं रिकॉर्ड करते करते जो हाईवे का चौकी होता है ना उधर मैं पहुंचा, तो वो बोले कि आप जाइए थाने पर, तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेबल थे बहुत एजेड थे, तो बोले कि यहाँ पे एक मोहम्मद जफार है, आप उनके पास जाओ हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उनसे पूछा कैसे जाना, तो बता दिए थे कि आप ऐसे से जा सकते हैं। पीछे पड़े हैं तो बोले क्या हुआ ऐसे आप इधर हो, उनको सारा हम बताया ऐसे हो गया, फिर वो उनको अंदर लेके गए, 9 बजे रहा था, फिर मैं उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया सब। तो सबसे पहले पूरा बात तो सुने, मेरा यूट्यूब वूट्यूब सब देखे चेक किए,
तो सबसे पहले वो बोले है कि आप वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं। तो मैं बोला मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं तो वेज खाता हूँ। तो उसके बाद वो अपने आदमी से बोले कि इनको ले जाके खाना खिलाओ। तो उसमें अच्छा लग नहीं रहा था कुछ, तो फिर मैं बोला नहीं भूख नहीं लगा है, तो जबरदस्ती मेरे को भेजा अपने घर में खिला के मुझे होटल पे ले गए कि उनके इनके अंदर कुछ गलत मैसेज ना जाए कि मैं मुस्लिम हूँ या इनका यात्रा ऐसा कुछ। मैं गया वहाँ खाना ना खा के आया, फिर उनके घर पे ही रुका था, एक रूम हमको दे दिए थे, फिर घर पे रुका था। फिर सुबह 5 बजे मुझे पता चला था मेरा मोबाइल खोया है। अगले दिन 7 बजे तक मोबाइल के साथ साथ आदमी बरामद हो गए। और जो हेल्प कर रहे थे मुस्लिम थे मेरा, और जो घर पे रुकवाए थे हिंदू थे। मेरे सामने पूजा वूजा सब कुछ किया, वीडियो है यूट्यूब पे। और ऐसा हुआ तभी मैं किसी धर्म को या इसको मैं कुछ नहीं बोलता, सबको अपना धर्म बहुत प्यार होता है, किसी का धर्म किसी को बुरा बोलना नहीं सिखाता। जो अपना दोस्त है रॉबिन सर, इन्होंने अपना अनुभव अभी बोला है। जो बाबा का अनुभव होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ऐसा बोलते हैं कि एक ही शिव बाबा, दूसरा न कोई, जो परम धाम में रहता है। और ये परम धाम की बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसके मन में उमंग उत्साह होता है, कोई ना कोई ध्येय होता है, ऐसे ही आदमी ऐसे यात्रा पर निकलते। जैसे नाना जैसे आप सभी, तो सभी यात्री करो तो है ही। अपना जो ग्रुप है निवान द्वारा, वहां द्वारा, ये सभी इनके पीछे ही और ऐसे ही जा रहे हैं, इनके रास्ते पर जा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये अपने हेल्प के लिए अपना जो संदेश है ये सभी भारतवासियों के देने के लिए, जो ईंधन बचाओ, ईंधन के बारे में, पर्यावरण के बारे में ये संदेश देने जा रहे हैं, और हेल्थ के बारे में संदेश देने जा रहे हैं, उसे तो बहुत बढ़िया चीज है। बढ़िया आदमी है, बढ़िया संदेश देने वाले देने के लिए जा रहे हैं। मैं अग्नि मेरे खुले आराम से हिंदी सराव हो तो आपण जर राज्यात गेलं तर मराठी वाडा नाही नाराला माहिती आहे, कन्नड वाले ते उचकून देतील, खायला मिळायचं नाही बाबा जाणार आहे का मोडक तोडक ऐकून घ्यायचं। शिव 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 शिव। गांव में मैं रुका था अंकल के घर पे, वो नारायण गांव था। आपने देखा किस तरह से हम लोगों को सम्मान किया गया। अभी वहां से नाश्ता वास्ता करके हम निकल गए हैं, और आगे कोई आले फाटक करके जो जगह है वहां से भाई जाएगा नासिक की तरफ, और मैं जाऊंगा औरंगाबाद की तरफ। तो फिर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है भाई। देख महाराष्ट्र आन बान शान पहने हैं, इसीलिए अभी निकालने का मन नहीं कर रहा है, नहाए भी नहीं है। सोच रहे निकाल देंगे तो नहाएंगे कैसे, तो दोपहर के बाद निकालेंगे। अभी तक पहने अच्छा लग रहा है अपने को, तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। नाश्ता हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है, बाकी भाई भी पूरा एकदम रेडी हो चुका है अच्छे से, और चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल गए थे, तो सुबह नहा नहीं पाए थे, इसलिए यहाँ पे नहा लिए। नहाने के बाद अब निकलेंगे आगे, आले फाटक पड़ेगा। आले फाटक से मैं दूसरा रूट पकड़ूंगा, भाई दूसरा रूट पकड़ेगा। तो अभी देखो ये भी पूरा सामान निकाल दिया था, अच्छे से बाधा नहीं था, तो अपना पूरा सही कर रहा है।
और अपना तो मैं निकाला ही नहीं था, तब चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो बीच में कहीं कुछ यार नाश्ता वास्ता करेंगे, सुबह नाश्ता किए थे, बीच में कुछ खाएंगे, केले वेले अपने पास है तो खाते हैं बीच में, उसके बाद फिर वहीं मिलेंगे आपसे। हाँ मयू बारा वो अपने गांधी कलेक्शन में आए, अपने इधर आप लोग भेज दिया, उन्होंने उन्होंने ऐसा एक संदेश दिया है कि तू साइकिल का ऑफर करो पर्यावरण का, इसके लिए साइकिल और साइकिल के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग करने जा रहे हैं रॉबिन, दोनों जा रहे हैं। अभी ये दोनों चौक में जाने के बाद अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों नारायणगांव में इकट्ठा हो गए, सुबह हमारे इनकी मुलाकात हो गई, सबको अच्छा लगा, जरा ये भी घूम रहे हैं, इनको भी थोड़ा अपना शुभकामना देना बनता है, तो जाओ तुम घूमो मस्त रहेगी, सबको लेटर बेटर बैठो भाई। वहाँ शॉप से आ गए, आप देखे किस तरह से वहाँ पे सम्मान मिला हम दोनों को, बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह से अपना एक मनोबल और भी बढ़ जाता है। तो भाई जा रहे हैं अब त्रिमिकेश्वर और हम जा रहे हैं औरंगाबाद, तो भाई यहाँ से सीधा स्टेट हो जाएंगे और मैं सीधा औरंगाबाद इस साइड निकल जाऊँगा। तो अभी अभी मैं बाय बाय बोलता हूँ, हो सकता है आगे साथ में रहे, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि यात्रा रुकनी नहीं चाहिए किसी भी वजह से, थोड़ा सा इनका जो यात्रा है जो हो चुका है मुझे वो करना है, तो अभी उसका प्लान करेंगे आगे जाके, भाई को भी प्लान करना है, तो अपना किसी तरह किसी जगह पर रुकना सही नहीं होगा क्योंकि यात्रा में ऐसे कहीं रुक नहीं सकते हम लोग। तो अभी देखिए जाम लग रहा है, तो भाई को मैं बाय बोलता हूँ, ठीक है आराम से जाओ, सेफ यात्रा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, आपकी भी मंगलमय हो, बिल्कुल सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से, वैसे महादेव भाई हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो हर हर महादेव जाओ। अब चलते हैं हम औरंगाबाद की तरफ, बाय बाय। 3:30 बज गया है और मैं यहाँ पे 2 बजे का रुका हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था और वहाँ शॉप से ही मुझे इस तरह से अपना भगवा झंडा भी दे दिए, मेरा तिरंगा ख़राब हो गया था तो पूरा खाली खाली लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और मैं एक टेम्पल पर रुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है और यहाँ पे देखो फूल का कितना अच्छा झालर बनाया गया है और ये हाथ से ही बनाया गया है, और इस तरह से टेम्पल है, आपको दर्शन कराते हैं। चलते हैं भाई, धूप बहुत ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा थक भी गए थे ऐसा लग रहा है, और खाना आज तो आज भूख ही नहीं लगा, इतना सारा आइटम मेरे पास है। अंकल लोग देख रहे हो क्या क्या दे दिए, इतना सारा नमकीन इसमें है, बाकी केला तो खत्म होने वाला है, कभी करते हैं इधर आराम थोड़ा, उसके बाद फिर आज निकलेंगे भाई। 4 थोड़ा सा आँख लग गया था और फटाक से 4 बज गया, पता भी नहीं चला, निकलते हैं अब, 2 घंटा नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा। क्या मस्त लग रहा है भाई अपना, तो चलिए फटाफट निकलते हैं भाई, तो बहुत लेट हो जाएगा। शाम का बज गया भाई 6:30 और यहाँ पे निकले तो हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, आगे 2 पेट्रोल पंप है, एक जस्ट इसी घाटी के बाद है और इसके बाद 4 किलोमीटर पे है, तो दोनों पेट्रोल पंप पे बात करते हैं, देखते हैं किधर स्टे मिलता है, उधर ही रुक जाएंगे। और क्या देख रहे हैं, शाम हो चुका है, धीरे धीरे मौसम भी इधर कब बदल जाता है कोई पता नहीं चलता, तो कुछ इस तरह से लोकेशन है। चलिए आगे, ये रास्ता एकदम पहाड़ काट के बनाया गया है और ये लगता है बहुत जल्दी में ही बनाया गया है इस तरह से पहाड़ को काट के। फाइनली भाई अपना नाइट स्टे का जगह मिल गया और ये है HP पेट्रोल पंप, कुछ इस तरह से वहाँ पे होटल भी है ढाबा टाइप का, और इस तरह से पेट्रोल पंप है और हमको इधर परमिशन मिल गया है, यहाँ पे टेंट लगाएंगे, तो अभी लगाते हैं फटाफट टेंट, खाने का तो बहुत मन नहीं करा, टेंट उन लगाते हैं, अगर मन करेगा तो जाके बगल में ये ढाबा खा लेंगे, तो पहले टेंट लगाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। Thank you.